हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवल कंप्यूटर वर्ल्ड में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हमेशा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 की वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में कुल 7 ग्रुप्स होते हैं: प्रूफिंग, लैंग्वेज, कॉमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रुप होता है प्रूफिंग। प्रूफिंग में फर्स्ट कमांड होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके द्वारा हम स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग करते हैं। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई अगर मीनिंग मिस्टेक हो या फिर कोई इरर को हम चेकिंग करते हैं, ग्रामर की इरर को हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए शार्ट की होती है F7। F7 के द्वारा शार्ट की को चेक, इसके द्वारा हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जहाँ पे इरर दिखाता है वहाँ पे ऑटोमेटिक लिख दिया जाता है। और यहाँ पे इसे अगर हम चाहें तो अगर हमारा सही लिखा है, अगर ये कहीं गलत बता रहा है, इसे वैसे तो ये गलत बताता नहीं है, लेकिन जैसे अगर कुछ ऐसे वर्ड भी हमें लिखना होता है, जैसे किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, तो उन सब मीनिंग्स को ये इरर बताता है, क्योंकि ये सब मीनिंग्स डिक्शनरी में नहीं होते हैं। एमएस वर्ड के पास खुद की अपनी कुछ डिक्शनरी होती है जिनके द्वारा ये वर्ड की चेकिंग करता है कि वर्ड सही है या गलत है। ये जिन वर्ड को अपने डिक्शनरी में नहीं पाता उसे जो है कि ये रेड लाइन से अंडरलाइन कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि रेड लाइन न दिखे, उसके लिए हम करते हैं इग्नोर। यहाँ पे हम इग्नोर क्लिक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा है, अगर हम यहाँ करेंगे इग्नोर वंस तो रेड लाइन गायब हो जाएगा। देखिए जो भी लाइन्स अंडरलाइन आ रही हैं तो इसे हम क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन गायब हो जाती हैं। ऐसे हम करते जाएंगे और यहाँ से ये अंडरलाइन गायब होता जाएगा। जैसे इग्नोर ऑल करेंगे तो यहाँ हर जगह से ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि हमारे मतलब डॉक्यूमेंट में इरर की चेकिंग करने के लिए होता है, यानी कोई मीनिंग स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक को चेकिंग करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट होता है रिसर्च। रिसर्च में जो है कि इससे हम संबंधित मीनिंग को ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ पर मीनिंग सर्च करते हैं तो इससे संबंधित जो मीनिंग होगा वो मीनिंग यहाँ पे सर्च करके दिखाया जाता है। इसका मतलब बताता है क्या चीज़ है। जैसे क्या है, एक नाउन है बुक, इस चीज़ का डिटेल दिखा रहा है, प्लूरल नाउन या फिर जो है कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिखाई देंगे मीनिंग संबंधित। फिर होता है ट्रीचरस। ट्रीचरस जो है आपका, ये भी आपका उसको संबंधित जो है कि इसको सर्च करने के लिए होता है, मीनिंग को सर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है ट्रीचरस भी। और फिर आपका आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में जो होता है कि वर्ड काउंट क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट में पूरे मतलब पेज में, मतलब पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं कुल, या फिर जो है कि कुल कितने वर्ड हैं इसकी चेकिंग करता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, देखिए वर्ड काउंट हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए कितना दिखा रहा है, पेजेस 7, यानी कि डॉक्यूमेंट में कुल 7 पेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि 7 पेज इसमें उपलब्ध हैं। फिर ये वर्ड्स, इसमें कुल कितने वर्ड लिखे गए हैं, तो 1056 वर्ड लिखे गए हैं। इसी तरीके से करेक्टर, कुल कितने अक्षर हैं, यानी कि नो स्पेस, यानी कि विदाउट स्पेस, यानी स्पेस कितना दिया गया उसको छोड़ करके कितने इसमें करेक्टर्स मौजूद हैं। तो इसमें जैसे लिखा रहा है 6605। इसी तरीके से करेक्टर विद स्पेस, यानी स्पेस को अगर गिना भी जाए स्पेस को भी, तो कुल कितने करेक्टर होंगे, 8042। फिर पैराग्राफ कितने हैं, 144। कितने लाइन है, तो 176। इस तरीके से जो है कि यहाँ पे ये काउंट करके दिखाता है वर्ड काउंट। फिर नेक्स्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है कि पूरे डॉक्यूमेंट को अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी अदर लैंग्वेज में, तो ये इंग्लिश यूएस में है, अगर हम ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में हम करना चाहते हैं, जैसे अगर हम हिंदी में करना चाहते हैं तो हम हिंदी चुन करके हम यहाँ से ओके करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है कि डेटा कनेक्शन होने पर काम करता है, ये जो है नेट पे ले जाने लगा, तो अगर डेटा कनेक्शन होगा तो आप ये काम करेगा, नहीं था ये काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज। ये जो है आपका प्रूफिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है, किस लैंग्वेज से आप प्रूफिंग करना चाहते हैं। तो अगर हिंदी लगा देंगे तो हिंदी के अनुसार ये प्रूफिंग करेगा, अगर आप इंग्लिश लगा देंगे तो इंग्लिश के हिसाब से ये प्रूफिंग करेगा। फिर आता है कॉमेंट। कॉमेंट में होता है अगर हम किसी वर्ड पर कोई कॉमेंट देना चाहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम देना चाहते हैं यहाँ पे एड्रेस पर कोई कॉमेंट देना, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे या करेंगे न्यू कॉमेंट। ऐसे मान लीजिए कि हमें लिखना है कि राइट एड्रेस, मतलब एड्रेस में जो है कि राइट डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी जैसे हमें यहाँ लिखा है एड्रेस, लेकिन हमें लिखना है डिस्ट्रिक्ट नेम, राइट डिस्ट्रिक्ट नेम ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, क्या चीज़ लिखना है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमें हटाना है तो यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, ये कॉमेंट हट जाएगा। या फिर जो है कि हम यहाँ पे हैं, अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कमेंट डिलीट हो जाएगा। फिर जो है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, कोई हम टाइप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसमें जो अगर हम जब नया तैयार करते हैं तो चेकिंग करते समय हमें कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई चीज़ टेक्स्ट भी इसमें बढ़ाना है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए हम ट्रैक चेंज का यूज़ करते हैं।
कि मतलब उसको संदेह में होता है कि हमें इसको बढ़ाना है या फिर बढ़ाने पे अच्छा लगेगा या फिर ठीक रहेगा या फिर नहीं अच्छा लगेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्रैक चेंज करके हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जो है हम कुछ चेक करते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ पे मतलब कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लिया हम कुछ लिख देते हैं, ये हो गया यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे से लिखा तो ब्लैक में लिखा तो हमें ट्रैक चेंज किया नहीं है। जब हम ट्रैक चेंज करके लिखना शुरू करेंगे तो जो है जैसे हम लिखते हैं, हमने ये लिखा इस तरीके से, मान लिया हमने और आगे भी कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब ऐसा अगर हम चेक करते हुए आ रहे हैं फिर से दोबारा, और हमें जैसे यहाँ पे जो है कि हमें लग रहा है कि ये इसमें रखना चाहिए, ठीक लग रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल हमारा जैसे सिंपली टेक्स्ट जो पहले से लिखा था उस तरीके में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही अगर हम चाहते हैं कि समझ लीजिए जो है अगला हम चाहते हैं कि इसको हमें नहीं रखना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो हटाना पड़ेगा, इसके लिए करेंगे रिजेक्ट, रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ अगर हम ओके कर देंगे तो वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कंपेयर। कंपेयर मतलब जैसे दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने, तुलना करने के लिए यूज होता है। जैसे एक डॉक्यूमेंट ये है और दूसरा डॉक्यूमेंट वाले, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने लिया ये और डुप्लीकेट में नेम नाम से दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया। आप देखिए अब जो है कि इसको कंपेयर करेगा तो देखिए यहाँ पे जो है कि ये अंतर है दोनों में, तो ये दिखा रहा है इसके जगह पे ये चीज़ें हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हमें दिखाएगा कि क्या क्या समान है क्या अलग है। तो ये रहा आपका कंपेयर। फिर हम देखते हैं आगे कमांड। आगे होता है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा हम इसको सेटिंग करते हैं, कोई इसको मतलब देख सके पढ़ सके लेकिन इसको इसमें कोई बदलाव ना कर सके, इसके लिए इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि हम इसका यूज करते हैं, इससे कोई अदर व्यक्ति हम इसको मतलब डिलीट ना कर पाए, कोई चेंजिंग ना कर पाए, सामने अगर हम बना करके कोई डॉक्यूमेंट सेव कर दिया उसके बाद से। तो फ्रेंड देखते हैं इसको कैसे उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक पैन जो है आपके एम एस वर्ड विंडो में राइट साइड में ओपन हो जाता है, और यहाँ पे करना है लिमिट फॉर्मेटिंग स्टाइल और अलाउ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें करना है एवरी वन, ठीक है, नहीं यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ करना है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग, और यहाँ पे कोई पासवर्ड देना है, सिंपली जैसे कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम करेंगे ओके। अब ये जो प्रोटेक्टेड हो गया, आप देखिए अगर इसको सेलेक्ट करते हैं डिलीट दबाते हैं डिलीट नहीं होगा, तो डिलीट करके कोशिश करेंगे, या फिर देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सारे कमांड डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि इस पे जो है यहाँ कमांड जो है डिसेबल होता हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है कट टू डिलीट ये कोई काम कमांड काम नहीं करेंगे। तो ये जो है होता है कि आपका इसको कोई चेंज नहीं कर सकता या फिर इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, कुछ टाइप करेंगे तो टाइप भी नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है दिस मॉडिफाइज इज नॉट अलाउड बिकॉज द सेक्शन इज लॉक्ड, यानी कि लॉक किया गया, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं होगा बिल्कुल ये। तो फ्रेंड्स ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का रिव्यू टैब। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ कि एमएस वर्ड में जो है डॉक्यूमेंट को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे करें, ताकि जो है कि कोई उसको देख भी ना पाए या फिर कोई एडिट ना कर पाए। ये तो मैंने अभी बताया इस वीडियो में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि इसमें जो है कि हम व्यक्ति इसको देख तो सकता है, दूसरा व्यक्ति इसे ओपन करके देख सकता है, लेकिन जो है इसे इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता या फिर कोई चीज़ इसमें अलग से बढ़ा नहीं सकता है। और मैं अगले वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जैसे कोई फाइल है अगर उसको हम ओपन करने पे ही पासवर्ड लगा देंगे कि उसको ओपन ही ना हो बिना पासवर्ड पासवर्ड के, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको पासवर्ड से कैसे लॉक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।